अस्सलाम वालेकुम। आई जस्ट वांटेड, बच्चे का एक सवाल है। यस बेटा पूछे। अच्छा, मैंने ना नेवी पुलिस एलडीसी नेवी हेडक्वार्टर और एलडीसी पाकिस्तान नेवी सिविलियन अथॉरिटी, सब जगह अप्लाई कर दिया। इन दोनों में तो मतलब इन तीनों का इनिशियल दे दिया और पास हो गया। हाँ, इनिशियल पास हो गया। इसका क्लैपिंग करो। बहुत ज़्यादा बच्चों का पास हुआ माशाल्लाह। अच्छा, पहले तो इन दोनों में फ़र्क बता दें कि ये नेवी हेडक्वार्टर और सिविलियन अथॉरिटी क्या। दूसरा ये कि मुझे नेवी पुलिस में या एलडीसी में किस में जाना चाहिए? सही, ठीक है। और तीसरा ये कि मैं जब यूडीसी का देने गया था ना, तो मैंने डीए ही किया था, तो उन्होंने मुझे इनएलिजिबल कह दिया कि आपकी सभी ने अप्लाई करो, इनिशियल आपका नहीं हो सकता, आपकी टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, बैठ। काफ़ी सवाल बच्चे ने पूछने हैं, राइट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इधर रिवाइज करा दूँ। पाकिस्तान नेवी सिविलियन में जब आप लोग अप्लाई करते हैं, लास्ट टाइम एक लड़की थी ईमान, उसकी मैंने पोस्ट अपलोड की थी फेसबुक पे, पिंडी की थी वो, पाकिस्तान नेवी में एज अ स्टैंडर्ड टाइपिस्ट रिकमेंड हुई थी, उस टाइम वहीं पे जॉब कर रही है। तो उसने मुझे बताया, उसके पॉइंट से बता रहा हूँ, उसने मुझे बताया कि सर पाकिस्तान नेवी के अंदर जो सिविलियन में अप्लाई करते हैं उनमें से कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें 6 महीने के अंदर लेटर मिल जाता है और वो ज्वाइनिंग देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें 2-2 साल तक लेटर नहीं मिलता। अब जैसे आपका इनिशियल पास हो गया, जितनी बच्चियों बच्चों का इनिशियल पास हो गया, उन सब का लाजमी नहीं है कि इंटरव्यू हो। अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि आपका जून जुलाई में इंटरव्यू होने वाला है, लाजमी नहीं है कि आपका इंटरव्यू, और बेनतहा 80% को इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आएगी, टाइपिंग टेस्ट तक की कॉल नहीं आएगी। तो आपका दिल तोड़ दिया मैंने थोड़ा सा, राइट। बहुत ज़्यादा बच्चियों का बच्चों का जिनका इनिशियल पास हुआ है, जो जिनके स्टैंप भी लगी हुई है पास की, और वो सोच रहे होंगे कि सर जी हम तो आगे तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करें इंटरव्यू की, लेकिन कॉल नहीं भी आ सकती। वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड लोगों को कॉल करेंगे, और किन शॉर्ट लिस्टेड लोगों को कॉल करेंगे, या अल्लाह जाने वो जाने, ठीक है। उन्हें कॉल आएगी, और उन्हें कॉल आएगी तो उनका भी टाइपिंग टेस्ट होगा, और उसी दिन उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू और टाइपिंग टेस्ट वो उनका यहीं पर हो जाएगा, उसके बाद जो फाइनल इंटरव्यू होगा वो इस्लामाबाद में होगा, नेवल हेडक्वार्टर में, समझिए। और वो जब जो बच्चा ऐसे बैठ जाओ थक जाओगे, जो बच्चा फाइनल इंटरव्यू देने जाएगा नेवल हेडक्वार्टर में, वो ये बात जेन में बैठा ले कि वो नेवल हेडक्वार्टर में इंटरव्यू देने नहीं जा रहा बल्कि लेटर लेने जा रहा है, वो रिकमेंड है। यानी एक उम्मीद ये कि आप पहले मैं सारी बातें क्लियर कर दूँ, जिनका इनिशियल पास है उन्हें जुलाई में कॉल आने शुरू होंगी, और अगस्त तक उनकी फाइनल सारी चीज़ हो जाएंगी, यानी इनिशियल इंटरव्यू हो जाएगा, मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, और जो से है ना वो उनका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। अगस्त के बाद उन्हें कॉल आएगी फाइनल इंटरव्यू की, जो कि हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में, और जो हेडक्वार्टर इंटरव्यू देने जाएगा वो ये सोच ले कि वो इंटरव्यू देने जा रहा नहीं है बल्कि लेटर लेने जा रहा है। उन्होंने सिर्फ उस दिन बुलाना है और कहना है कि बेटा ये आपका दफ्तर है, इस दिन आपने आना है, ये लेटर जाएं, बस कोई वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह नहीं होना। बस बॉस आपसे मिलेगा जो इंचार्ज होगा आपके डिपार्टमेंट का, वो कहेगा बेटा अच्छा कि आप आ गए हो, आप विलिंग हो ज्वाइनिंग देने के लिए, आपकी पोस्टिंग हम इस्लामाबाद कर रहे हैं, आप लाहौर से रहने वाले हो, आप ये तो नहीं कहोगे 6 महीने बाद मेरी मम्मी याद आ रही है मैं जा रहा हूँ छोड़ के, और इतनी सी 2-3 बातें पूछेगा, ठीक है। आप उसमें रजामंद हो जाएंगे, आप उसके लेटर पे साइन करेंगे जी मैं वॉलंटरी एग्री हूँ, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि अगर आप छोड़ेंगे तो आपको जुर्माना देना होगा, फलाना फलाना, आप सब चीज़ एग्री कर देंगे, देन उसके बाद आप घर आ जाएंगे, देन 2 मंथ के बाद दोबारा एक लेटर आपके घर में आएगा, फिर आपको करीबी जो थाना होगा वहाँ से वेरीफिकेशन करानी पड़ेगी कि आपसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है और आप पे कोई भी मुजरिम नहीं है, कोई आप पे FIR दर्ज नहीं है, वो लेटर लेके आपको अटैच करके नेवल हेडक्वार्टर भेजना पड़ेगा। हालांकि ये काम नेवी के हैं बताने के, मैं कर रहा हूँ, नेवी वालों को चाहिए खुद बताएं ना, सारे काम मैं ही कर रहा हूँ। तो लेटर लगाएंगे, लेटर लगा के वहाँ लेटर भेजेंगे, देन आपका एक और लेटर आ जाएगा, देन उसके बाद आप ट्रेनिंग पे वहाँ जॉब पे चले जाएंगे, देन वहाँ आपको हाउस अलाउंस वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये जॉब बहुत अच्छी है, चाहे UDC हो LDC हो जो भी मिले बेटा इसे कर लो, क्योंकि जॉब में मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और ये जॉब इस लिहाज से अच्छी है कि सुबह जाना है, एक भी छुट्टी, हफ्ता है तो आज छुट्टी, तनख्वाह टाइम पे, मेडिकल अलाउंस, अगर घर नहीं भी मिलता, आप अकेले रहते हो तो आपको वो रूम दे देंगे, अगर आप वहाँ पर किराए भी लेते हो तो आपको हाउस रेंट अलाउंस देंगे, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और परमानेंट जॉब है, पेंशनेबल है, और इसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, ना कोई वर्दी है, ना PT पीरियड है, ना ऐसा कोई काम है, और प्रमोशन के चार्जेस भी ज़्यादा हैं। बस इसमें एक नुकसान है, वो नुकसान ये है कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, पहले 3 महीने आपके डिपार्टमेंट के लोग ही ट्राई करेंगे कि आप छोड़ के चले जाओ। मुझे आते हैं फोन,
डिपार्टमेंट के लोग ही कहेंगे तंग करेंगे आपको, बिला वजह तंग करेंगे, 5-6 बजे तक बैठा रहे, छुट्टी आपकी 1 बजे होनी है ना, 5 बजे तक बैठाएंगे आपको, आपने चुप करके ज़रा 6 महीने गुजार लेने हैं बस, 6 महीने बाद आप उनके बॉस हो गए, समझ आई बात। 6 महीने प्रमोशन पीरियड होता है, उसमें वो डिसमिस कर सकते हैं, 6 महीने आपने गुजार लेने हैं। और ये बेटा ये काम एक डिपार्टमेंट नहीं ये जानता है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं आपके डिपार्टमेंट के लोग आपको क्या करते हैं, तंग करते हैं। पंजाब पुलिस में जो लड़कियां गई हुई हैं वो मुझे फ़ोन करके बताती हैं कि सर ट्रेनिंग के दौरान हमें आके इंचार्ज कह रही होती है तुम कहाँ आ गई हो, तुम्हें ये छोड़ देनी चाहिए थी। तुम ये एक लड़की कह रही है कि सर जी मैं छोड़ दूँ, मैंने कहा उससे पूछो तुम यहाँ क्या आ गई हो, तुम्हें भी तो छोड़ देनी चाहिए थी, हैं उससे भी तो पूछो ना, खुद वो यहीं पर खड़ी है और अगले को क्या है डिग्रेड कर रहे हैं। और यही पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में हो रहा होता है, पाकिस्तान आर्मी में हो रहा होता है, हर डिपार्टमेंट में ये वकील आए वो साथ वाला कहेगा यार तुम वकील क्यों बन गए हो, वकील तो ये है। यानी हर डिपार्टमेंट में आपको डिग्रेड करने वाले लोग 99% लोग मिलेंगे और 1% लोग मिलेंगे आपको इनकरेज करने वाले, समझ आ रही बात। तो आपने इर्द गिर्द के लोगों की बातें नहीं सुननी, अगर आपको मिल जाती है तो सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है और टाइम गुजारना है। जैसे ही आप 6 महीने साल गुजार लोगे, अभी एक लड़की को सैली आई है पंजाब पुलिस वाली, लड़कियाँ खुश हो जाएंगी, 1,20,000 उसके अकाउंट में आई है, ठीक है, लेकिन वो पिछले 5 महीनों की इकट्ठी होकर आई है, ठीक है, हाँ 5 महीनों की इकट्ठी होकर आई है, ठीक है। फायदा नाम है उस लड़की का गुजरा वाली के, तो मुझे फ़ोन के कहती है कि सर जी आज मेरे अकाउंट में 1,20,000 सैली आई है, बताएं आपने क्या खाना है। मैंने कहा नहीं बेटा खाना कुछ नहीं, दुआ कर देना। तो मैंने कहा ये हर महीने 1,20,000 आएगी, कहती नहीं सर ये 5 महीने की इकट्ठी होकर आई है। और जो पंजाब पुलिस में लड़कियाँ गई हुई हैं राइट, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो लहता कभी डिस्कस करेंगे। तो ये सारा क्राइटेरिया है पाकिस्तान नेवी का, तो आप UDC हो LDC हो किसी में भी हो जाओ तो आप कर लो। इस टाइम आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, टाइपिंग टेस्ट के बगैर वो आपको रखेंगे नहीं। और एक चीज़ और, MS वर्ड एक्सेल के फॉर्मूले पूछेंगे वो आपसे इंटरव्यू में, हाइपरलिंक का नहीं पता आपको, किसी ना बैंकर से रब्ता करो और बैंकर से पूछो MS एक्सेल के वर्ड के फॉर्मूले जो ऑफिस में काम करते हो, और उनसे ये ना पूछना Ctrl+C क्या होता है, Ctrl+V क्या होता है, उनसे पूछना ऑफिस वर्क क्या होता है, लेजर वर्जन कैसे बनाते हैं हम लोग, किस तरह BRS को करते हैं चेक एंड बैलेंस, समझे, ये तो सारा आता है, वो सारा कुछ आपको आना चाहिए, वो आप जब सीख लोगे तो फिर वो सब चीज़ हो जाएंगी। देखते हैं चैनल सर जी, हाँ वहाँ से सुन लेना, लेकिन ये मेरे ख्याल से अगर किसी बंदे के पास चला जाए ना कोई, हाँ क्या इसकी बात मान के देख लेना, अगर ना हो तो फिर इसके पास आ जाना। देखते हैं चैनल सरकार, अल्लाह हाफिज़।